जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं मनोज सिंह आज आपके वीडीए के कैंपस में एक बार चारपाई का एक एस्टिमेट जो वीडीए तैयार कर रहे हैं, अप्रोक्स 50 चारपाई हम लोग तैयार कर रहे हैं, वो भी चारपाई ट्रिपल डेकर है जिसका काम पूरी तरह से स्टार्ट हो गया है। वीडीए के अंदर लड़कों का इशू था कि मैं हम लोग खुद ही सोच रहे थे अगर हम वीडियो को इतनी लग्जरी बना रखें तो कहीं ना कहीं लग्जरी के साथ उनके रहने खाने से हटके एक सोने का जो बंदोबस्त है उसको काफ़ी लग्जरियस करें। ये हमारी जो चारपाई है ट्रिपल डेकर चारपाई है, देख लीजिए इस तरीके से ये चारपाई बनाकर हम लोग 50 चारपाई का एस्टिमेट पूरा तैयार कर रहे हैं। और ये आप डेमो देख सकते हैं, इस तरीके की चारपाई है, ये ट्रिपल डेकर चारपाई है। ये चारपाई ट्रिपल डेकर चारपाई है, यहाँ पे बैठे बैठे इसके ऊपर। ट्रिपल डेकर के अलावा आपको बताते हैं कि इस पर कैसे कैसे रहा जाएगा। ये लड़का है जो कि प्रॉपर इस चारपाई के अंदर रहेगा, पूरा बैठने का पूरा बंदोबस्त यहाँ रहेगा। सेकंड फ्लोर में, ये सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए ये सीढ़ी का यूज अलग से होगा इन लोगों का, और थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए ये बड़ी वाली सीढ़ी का यूज होगा। ये इस तरीके का चारपाई तैयार हुई। इसके अलावा इसके कई डॉटेड दिए जाएंगे, यहाँ पर डॉट दिया जाएगा कि इसका गद्दा वगैरह तकिया वगैरह ना गिरे ना। तो अभी इसमें काम काफ़ी बाकी है, इसका प्लाई लाना, गद्दा लाना और बहुत सा डॉट करना, डेंट पेंट करना, काम अभी बहुत बाकी है। मैं उस चीज़ को आपको दूंगा, बाकी आगे का मैं वीडियो दूंगा। साथ में इसका जो डेकोरेशन है कि वीडियो चारपाई को लेकर काफ़ी टेंशन में था कि नहीं हम लोग कैसे कंफर्टेबल चीज़ को आगे दें, और ताकि लड़के इतना मेहनत करते हैं, इतने पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो वो जब आराम करें तो कम से कम इतना कंफर्टेबल रहें कि उनको किसी चीज तकलीफ ना हो। सर इसमें एक चारपाई पे कितना कॉस्ट आएगा कम लगभग? एक चारपाई का जो कॉस्ट है 16 से 17 हज़ार रुपये, मिनिमम 17,000 का कास्ट आ रहा है इसके ऊपर। प्लाई, गद्दा, पूरा लोहा और डेंटिंग पेंटिंग लेकर 17,000 रुपये का कास्ट आ रहा है, और 50 चारपाई का एस्टिमेट वीडीए ने शुरू कर दिया है। लगभग आप बता रहे हैं कि 15 से 16 हज़ार का एक चारपाई पे कॉस्ट आ रहा है, तो सर आप एक सोने की मामूली सी चीज़ के लिए सर लगभग, हमें लगता है कि आप 50 का बता रहे हैं तो 4.5 लाख के आसपास का एस्टिमेट बन रहा है। आपको लगता है कि ये सोना एक मामूली चीज़ है, ये करोड़ों देखकर खरीदा नहीं जा सकता। हम तो 4.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं या लड़कों के एक कंफर्टेबल जोन के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये गलत फहमी है। सोना एक ऐसा चीज़ होता है जब ट्रेन में चलता है ना, तो एक चारपाई के लिए, एक सीट के लिए बंदा 5,000 रुपया से लेके 1,000 रुपया तक देता है, और टीटी उसको देता नहीं है, तो इतना बड़ा महत्व है। तो सर अभी हमारे यहाँ देखने में तो लगभग 5 या 6 चारपाई आपकी तैयार हैं, और इससे बहुत, इसको मिला के बहुत बनेगा 10 चारपाई, और सर आप बता रहे हैं 50 चारपाई का एस्टिमेट नहीं है, 5-6 चारपाई नहीं है। आइए मैं आपको दिखाते हैं चारपाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चारपाई तो आपका यही है। एक देखिए कॉर्नर में वो रखा हुआ है 8, इसके अलावा ये पूरा वहाँ अंदर देखिए इधर, ये पूरी पाइप देख रहे हैं अंदर, दिखाइए पूरी पाइप, वो पूरी पाइप कट कर तैयार है, वो चारपाई ही है सारी चीज़ें। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, आइए इधर से, कितना चीज़ है कि हम लोगों ने इसका पूरा एस्टिमेट कर रखा है, ऐसा नहीं है 10-20 है ना, 50 चारपाई, तो 50 चारपाई का एस्टिमेट हम पूरा करेंगे बहुत जल्दी। इसका पूरा काम चल भी रहा है, और खरीद वाला धंधा है, जो घटेगा तो आएगा। ये देखिए पूरा पाइप उसी चारपाई के लिए लगा गया है, ये पूरा इतना चारपाई के लिए बनेगा ये सारा। ये देखिए काट काट कर ये सब रखा जा रहा है, ये चारपाई, ये पाइप देखिए ये छड़ भी इतना अच्छा बनाया जा रहा है कि इसके अंदर जो छड़ है ये इनके गद्दा, इनका जो सामान है, इनका सामान रखने के लिए 3 लड़कों के लिए चारपाई बन रही है। एक चारपाई पर 3 लड़का रहेगा, और तीनों लड़कों का बैग उसी के नीचे, वो छड़ इसलिए लाया गया है कि तीनों चारपाई का जो सामान होगा उसी के नीचे कर दिया जाएगा। साथ में हर चारपाई के ऊपर 2 हैंगर दिया जाएगा, ऑलरेडी रूम के अंदर हैंगर है, लेकिन हर चारपाई के ऊपर 2 हैंगर दिया जाएगा, और वो हैंगर लड़का यूज करेगा। सर अभी जैसे हम देख रहे हैं, और आपने बताया भी अपने कई वीडियो में कि आपने 1 से 1.5 करोड़ की बिल्डिंग तैयार की है, और उसके बाद ये आपका अभी जब भी इधर पूरा क्लासरूम की तैयारी करवाए हैं सर करोड़ों रुपए की खर्च करके, तो सर अभी आपको ये बेड का जो कार्यक्रम में अभी आपको जल्दी नहीं लग रहा? देखिए एकेडमी खोलना आसान नहीं था, ये मुझे नहीं पता था, हमें ये लगता था एकेडमी खोलना बहुत आसान है। जब इसके ऊपर खर्च गिरने लगा
30-30, 40-40 लाख रुपया जब गिरने लगा तो हमें नहीं समझ में आया कि एक ऑफिस, एक नॉर्मल चीज़ 10-20 लोगों के रखने के लिए इतना पैसा लगेगा, हमें ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने एकेडमी खोल ही दिया है, तो अब सिंपल सी बात है, आप सही बोल रहे हैं कि करोड़ 1.5 करोड़ रुपया भी इसके एकेडमी के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन अब क्या करें? ऐसा तो नहीं बोल सकते करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगा है तो हम लड़कियों को खाना नहीं देंगे, उससे पैसा बचा लेंगे, खाना तो खिलाना पड़ेगा ना जी सर। तो इसको नहीं ध्यान देना है। अब हम अगर वीडियो को तैयार कर रहे हैं तो बहुत ब्रांड लेवल तैयार करेंगे, अब हमें फिर क्यों ना 1.5 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। अच्छा सर, तो सर ये आपका चारपाई का जो है एस्टीमेट टोटली कब तक बन जाएगा? एस्टीमेट लगभग ये 5 से 10 दिन के अंदर पूरी, 10 दिन तो नहीं और टाइम लग जाएगा क्योंकि 50 चारपाई की एस्टीमेट, मतलब उनको काम करने के लिए काफ़ी अपने स्पीड से ही काम करेंगे, तो मिनिमम मानते हैं कि 20 से 25 दिन के अंदर ये चारपाई पूरा रूम के अंदर तैयार होकर लग जाएगा और लड़के प्रॉपर चारपाई प्लस अभी बहुत से चीज़ कूलर वगैरह इनको और देना है, फिजिकल के बाद पढ़ाई के बाद इनको जो टाइम मिले तो बहुत काफ़ी कम्फर्ट रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने एकेडमी के बारे में बताया।